मूवी देखिए हीरोइक लूजर्स, ये एक अर्जेंटीनियन मूवी है भाई। तो इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कैसी है मूवी। हीरोइक लूजर में स्टोरी फोकस करती है फार्मिन और उसके कुछ भाई नेबर हमसायों पर, जिनसे वो पैसा इकट्ठा करता है कि हम एक कॉरपोरेटिव कंपनी शुरू करना चाहते हैं। तो वो सब लोग पैसा देते, $158,000 बनते हैं भाई। तो वो उसको बैंक में रखता है, वहां पर एक बैंक क्रप्ट और एक माजिन नाम का बंदा वो पैसा चुरा लेता है। तो क्योंकि फार्मिन और उसके पूरे हमसाए भाई दोस्त होते हैं ना भाई, वो चाहते हैं कि हमें ये पैसा कैसे वापस मिलेगा भाई। तो वो इस मिशन पर लग जाते हैं। तो क्या उनको ये पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसी चीज़ को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। मूवी की जो लेंथ है 2 घंटे की है भाई। मूवी का जो कि स्टार्ट है ना, मेरे को थोड़ा बहुत स्लो लग रहा था कि आखिर ये कॉरपोरेटिव कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो इसके पीछे क्या चक्कर है। लेकिन जब उनका पैसा चोरी होता है, उनको पता चल जाता है कि इसके पीछे एक माजिन नाम का बंदा है। तो उस पैसे को, जो पैसा वो चुराता है बैंक से, काफ़ी लोगों का, इनका ही नहीं होता बल्कि और भी काफ़ी लोगों का होता है। तो वो भाई उसे एक बहुत ही सेफ सिक्योर तरीके से रखता है। तो हमारे ये जो सारे लोग हैं भाई फार्मिन और उसके जो दोस्त हैं, सब की उम्र जो है ना किसी की 50 साल या ऊपर होगी भाई। तो इनमें 2 यंग लड़के आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जब प्लानिंग बनाते हैं कि हम कैसे पैसा निकालेंगे, ये वाली जो प्लानिंग है ये वैसी मूवीज़ वाली नहीं है कि कोई जीनियस तरीके वाली, यानी कि आपको थोड़ा बहुत हंसी भी आएगी और जो कि करेक्टर हैं थोड़े बहुत फ़नी भी हैं। तो भाई ये जो प्लानिंग बनाते हैं आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और मूवी शुरू से लेकर एंड तक कहीं पर भी आपको भाई बोर नहीं करेगी। हर करेक्टर के साथ आप जुड़ जाओगे और आप चाहते हो कि भाई ये जो पैसा इन्होंने गंवाया है ना भाई, तो ये इनको वापस मिलना चाहिए भाई। तो ओवरऑल जो कि एक्टर्स ने परफॉर्मेंस दिया काफ़ी ज़बरदस्त दिया भाई, जो कि आपको फार्मिन करेक्टर देखने को मिलता, फोंटाना देखने को मिलता, हर एक सिंगल करेक्टर जितनी ये भाई ये टीम होती है ना भाई, इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त लगी मेरे को। और इसमें एक और रोड्रिगो यानी कि फार्मिन का जो बेटा होता है और एक लड़की, इनका जो कि थोड़ा बहुत लव एंगल डाला गया है, तो वो भी आपको काफ़ी ठीक ठाक लगेगा। और मूवी का जो प्लॉट है तो उसको आप काफ़ी जल्दी ही प्रोडिक्ट कर लेते हो भाई क्या चलने वाला है। लेकिन एक चीज़ आती है कि भाई जिस तरह ये लोग चोरी करते हैं तो कुछ भी रिवील नहीं होता, यानी कि थोड़े थोड़े टर्न एंड ट्विस्ट इस मूवी में सस्पेंस चलता रहता है, जो कि आपको इस मूवी के साथ हुकअप रखता है। और मेरे को ये मूवी कहीं पर भी बोरिंग नहीं लगी भाई, काफ़ी इंजॉय किया। जो कि इस मूवी की एंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप एक अच्छी मूवी की तलाश में है तो ये मूवी आपको काफ़ी मज़ा देगी। इस मूवी की जो कि हिंदी लैंग्वेज है भाई गुजारा टाइप की है, इतनी बढ़िया नहीं की गई। और ये मूवी बिना टेंशन के आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, ना कोई गाली गलौज सुनने को मिलता, ना ही कोई न्यूडिटी या किस वगैरह कोई सीन भी नहीं है, बिना डर के आप देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो चैनल पर नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।